सत श्रीकाल जी, मैं थोड़ा अपना वीर गुरदास कैणा जी, वीर इंचार्ज लुधियाना जी। स्वाज असं खड़े हैं अपने तकरीब दे सकते आप बस स्टैंड तो जो आप गिल चौंक में जाने हैं उत्थे तकरीबन आम आदमी पार्टी का जिते दफ्तर बने उत्थे असीं खड़े हैं। उत्थे तुसीं आपां देख सकते अज दलजीत सिंह जी भोला गरेवाल जिहड़े कि तकरीबन पहले कांग्रेस कमेटी के जनरल सैकटरी सीगे और कौंसल भी जीते ने आजाद, हुण अज उह तकरीबन उह पार्टी नूं छड्ड के कांग्रेस छड्ड के आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अज उन्हां दी आपां तस्वीर देखते हैं कितना आपको दिखाने कितना कि दलजीत सिंह भोला जी जिहड़े कि गरेवाल साहब जिहड़े कि उत्थों अपने कांग्रेस नूं छड्ड के आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। आओ उन्हां दी तस्वीर गलबात करते हैं आप। दलजीत सिंह जी भोला गरेवाल जो कि आम आदमी पार्टी छड्ड के उत्ते बहुत सारे आगू उन्होंने शामिल कर रहे हैं, हार पा रहे हैं, सरोपे पा रहे हैं, वो किस तरह उन्होंने आप तस्वीर दिखाने और भी गल करते हैं। आओ सुनते हैं। धन्यवाद करता और बेनती करता भी पिछले समय से पांच इलेक्शन लड़िया, तीन बारी एम एल ए थे उस तीन बारी कौंसलर थे दो बारी एम एल ए, वो संगत ने आशीर्वाद लड़िया और संगत ने जो हुक्म लाया वो मैं उन्होंने नवाया और संगत का हुक्म सगा भी शायद कांग्रेस पार्टी सरकार जाके आप कम करा सकें क्योंकि सरकार जी कांग्रेस पार्टी मिन्नत कर रही थी एम पी इलेक्शन आ गया और साढ़े इलाके की संगत का हुक्म सगा भी आप 11-12 साल तो याद चले आ रहे हैं क्यों ना अज इलाके वास्ते आप फायदा ले लीए, इलाके काम करा दीए, डिवेलपमेंट करा दीए, लोगों के काम करा दीए। पर मेरी वड्डी पॉलिसी, मेरी वड्डी गलती सी जो मैं सोच के उत्थे गया तो कांग्रेस पार्टी पर उत्थे जाके देखे तो उत्थे व्यापारी ही ने और लोग भोले भोले लोगों दीआं वोटां लैके अपना व्यापार कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं और लोगों का कोई सरोकार नहीं, लोगों के कामों का कोई सरोकार नहीं उन्होंने, तो सिर्फ तो सिर्फ मतलब 5 साल बाद वोटा लिया तो अपना बिजनेस किया। और जिमें कि अकाली दल कांग्रेस पार्टी अकाली दल भाजपा के रेत माफिया, शराब माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, बिजली माफिया चल रहा है तो उस तरह ही अज कांग्रेस पार्टी भी रेत माफिया, शराब माफिया और ट्रांसपोर्ट माफिया, बिजली माफिया चल रहा तो अच्छ मंत्रियों के मिनिस्टर के एम एल ए घर रेवन्यू जा रहा वा जो रेवन्यू पंजाब के आना चाहिए उन्होंने घर जा रहा वा और इतने तक कि कांग्रेस पार्टी का यह हाल हो गया तो अज पंजाब के नौजवान पढ़े लिखे सड़कों पर धक्के खा रहे हैं पर कांग्रेस पार्टी का सरकार का यह हाल आ वो अपने एम पी एम एल ए खुश करने वास्ते उन्होंने भरावान से उन्होंने बेटिया नौकरियां दे रही और ऐसी पार्टी के ऐसे लोग विरोधी पार्टी के रहना मेरा मुश्किल से इस करके मैं बाहर आया हूँ और इतने तक कि मेरे साथी तो बल्कि भरा तो मेरे से अश्विनी शर्मा से एम एल ए ने हमला करा के उन्होंने मारन की कोशिश की, वो मौत के मुँह च बचिया और मैं मंत्रियों को भी एम एल ए को भी एम पियों को भी घूमया, सी पी को भी बड़ी बारी गया और उन्होंने प्रूफ भी दिते भी आह हल होया पर उत्थे इंसाफ उन्होंने नहीं मिल सके जिते मेरे साथी मिल के मेरे इलाके मिल के डिवेलपमेंट नहीं हो सकती, जिते मेरे साथी इंसाफ नहीं मिल सकता उत्थे मिल के मेरी सोच गलत सी भी मैं कांग्रेस पार्टी जाके काम करा लूँगा। इस करके अलविदा कह के आया अज आपकी माँ पार्टी क्योंकि मेरी माँ पार्टी आम आदमी पार्टी और पिछले 5 इलेक्शन जोड़े लड़े ने पहला आजाद लड़ता आया तो एक इलेक्शन लड़िया ना किसी कांग्रेस पार्टी के चोन निशान तो ना अकाली के चोन निशान तो आम आदमी पार्टी के चोन निशान तो इलेक्शन लड़िया तो और जितया और वो हमारी माँ माँ आम आदमी पार्टी है, माँ पार्टी है और अरविंद केजरीवाल जी जेडे कि आम आदमी पार्टी अच्छ दिल्ली के दवाई फ्री दे रही है, पढ़ाई फ्री दे रही है, बिजली फ्री दे रही है, पानी फ्री दे रही है और इस तरह ही मेरी भी सोच है तो हर पंजाबी की सोच है भी अब पंजाब के भी दवाई भी फ्री मिले लोगों को, पंजाब के पढ़ाई भी फ्री मिले, बिजली भी फ्री मिले, पानी भी फ्री मिले और करप्शन खत्म होवे तो लोगों को नौजवान नौकरियां मिले। इस करके मैं अब आम आदमी पार्टी में वापस आया। भोला जी एक चीज़ तुम बार बार कह रहे हो माँ पार्टी माँ पार्टी, जिहड़ा बंदा अपनी माँ को छड़ के तुर गया वो लोगों को कितों संभालूगा? मैं तुम्हें दसना चाहना मैं जिन्हें भी फैसले लए
अज तक मतलब लोगों के आशीर्वाद ना ले लगता है कि हुक्म ना ले और उन्होंने सत्कार जो बुजुर्गों का मेरी बेनती सुन ली उन्होंने सत्कार जो बुजुर्गों का हुक्म सगा भी शायद जाके कांग्रेस पार्टी आप इलाके के काम कराने अपना मकसद काम करवा और मेरी गलती से वो मैं पहला भी कह कहते मेरी गलती से भी शायद काम करा सूँ मैं उत्तर जाके देखा तो उत्तर व्यापारी लोग अपना व्यापार कर रहे हैं और कांग्रेस अकाली भाजपा अज तक मतलब 73 साल तो व्यापार करते आ रहे हैं तो लोगों का कोई हल नहीं किया अब पंजाब का भारत का बुरा हाल करता तो मेरी भुल सी क्योंकि मैं कहते सरकार के रहा नहीं मैंने मेरी सोच ही शायद सरकार के काम ज़्यादा होंगे ने पर मेरी भुल सी मैं भुल बुखा रहा लोग क्यों थोड़े विश्वास कर मैं लोगों की गल दसदा मैं 5 इलेक्शन लड़े ने और 5 बारी ग्राम बदया वा उन्होंने पता ही मैं सच बोलता वा मैं लीडर वा झूठ नहीं बोलता जो कहा जो उही किया हुक्म MLA की चोन लड़न वास्ते मैं तुम्हें दसना चाहना जो कांग्रेस पार्टी गया किसी भी लीडर कांग्रेस पार्टी के लीडर तुम सहु खवा के गुरुद्वारे सहु खां खवा के पुछ लगे उन्होंने तो टिकट मंगी सी जां कुछ होर मंगया सी सिर्फ तो सिर्फ मंगया सी इलाके की डिवेलपमेंट लोगों ने इंसाफ तो ना डिवेलपमेंट हुई तो मैं अपने बगे साथी साथी पार्टी के बंदे कह रहे हैं कि टिकट पिछे आए हो मैं तुम्हें दसना किसी का मूँह नहीं फड़े जा सकता और ना उत्थे टिकट मंगी सी ना इतने टिकट मंगी आ सिर्फ तो सिर्फ सेवा करना आया मैं तुम्हें दसना मतलब पार्टी जितने हुक्म लाऊगी चाहे वह झाड़ू मतलब फड़ के मतलब गली चल हुक्म लावे चाहे घर हुक्म लावे उत्थे हुक्म सेवा करो मैं तुम्हें दसिया भी जितने पार्टी हुक्म लाऊगी झाड़ू फड़ के उत्थे सफाई करूंगा मेरा फर्ज है कहने का मतलब मैं तुम बैठ के कर जिते जिते घर हुक्म लाऊगी पंपलेट देने हुक्म लाऊगी पोस्टर लाने हुक्म लाऊगी जिते भी हुक्म लाऊगी उत्थे मतलब तंद ही नाल मौका गल कही कि मैं जिन्हें भी इलेक्शन लड़े हैं मैं वोटर का बहुत प्यार मिले बिल्कुल जी तुम कांग्रेस से भी इलेक्शन लड़े कांग्रेस को कोई इलेक्शन नहीं लड़ा मैं तुम्हें पहले कह के हटिया मैं ना अकाली दल के चोन निशान से ना कांग्रेस के चोन निशान से पर लोग पहले पुल वाला पहला पहला नहीं ले पाए पहला करके जो तलवार चली है तलवार जी ना पुल वाला क्रेडिट तुम लेना चाहते थे वो तुम्हें नहीं मिले इस करके सरकार जो मिल के पत्रकारों साहबान के जरा मतलब के मीडिया वा लोग मतलब के लोकतंत्र का चौथा थंब आ मैं 2011 का रिकॉर्ड पेश किया 2011 तो हर मतलब दिन का हर महीने का हर मतलब रिकॉर्ड पेश किया जिन्हें धरने लाए जिथे जिथे गया दिल्ली गया चंडीगढ़ गया एक एक रिकॉर्ड पेश किया वा और धन्यवाद करता मैं जिन्हें मतलब हुण काम कराया तो पर मेरी फाइल पहले ही चलती आ रही मैं एक एक कला रिकॉर्ड मंगे पेश किया कोई मतलब के बुकल च लड्डू नहीं भन्या एक एक रिकॉर्ड मेरे को पिया वा मैं 2011 तो लगातार मतलब फ्लाईओवर वास्ते क्योंकि साडा जिहड़ा टिपा रोड से ताजपुर रोड का नाता मतलब शहर में कट्टिया गया भारत पाकिस्तान बन गया सीगा तो उसके वास्ते 2011 तो संघर्ष कर रहे हैं अज भी मेरे को रिकॉर्ड पिया वा किहड़े मंत्री नूं मिलिया किहड़े MP नूं मिलिया किहड़े MLA नूं मिलिया कित्थे धरने लाए वो सारिया मेरे को रिकॉर्ड फोड़ा पिया मैं सिर्फ लोगों के मतलब जो हुक्म लाया संगत ने हुक्म लाया भी काम करा लो पर उत्थे काम नहीं होए तो इंसाफ नहीं मिल सकता तो वापस आया मैं टिकट मंगी पार्टी नहीं छड्डूंगा बिल्कुल नहीं मैं भुल दोबारा नहीं करूंगा एक बार भुल होंगी दोबारा भुल नहीं करूंगा सर आही बयान तुसीं पहलां भी दित्ता कांग्रेस टाइम दे भी साडी कोल रिकॉर्डिंग पई है बिल्कुल बिल्कुल बयान नहीं दित्ता सीगा साडी कोल रिकॉर्डिंग मैं तुहानूं दस्सां पई है सर जी रिकॉर्ड कढ लिओ पार्टी छड्डी सी एक मिनट रिकॉर्ड कढ लिओ ए रिकॉर्ड कढ लिओ आम आदमी पार्टी बारे एक लफ्ज भी कदे बोलिया होवे और जिदन मैं कांग्रेस पार्टी दे विच आया सी हुण ध्यान नाल सुन लिओ जिदन मैं कांग्रेस पार्टी दे विच आया सी मैनूं बुलाउण दी कोशिश कीती पत्रकारां ने भई खैरा ये कहिंदा जी वो कहिंदा जी केजरीवाल बारे मैं उस दिन भी ये गल कही सी कांग्रेस पार्टी दे विच शामिल होण तों बाद भई अरविंद केजरीवाल वर्गा ईमानदार बंदा पॉलिटिक्स मेरे हिसाब नाल नहीं हैगा क्योंकि शायद वापस जाणा क्योंकि मैं मेरी गल सुन लो मैं उस दिन भी किया सी क्योंकि मेरी सोच आ कि जिहड़ा केजरीवाल अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार परसन आ मैं उत्थे क्यों गया सी मैं इलाके के काम कराने वास्ते गया सी पर इलाके के काम नहीं हुए मैं लोगों को साफ दवा गया आम आदमी पार्टी विच इलेक्शन दे काम नहीं हुंदे पे सी लोगों दे देखो मेरी पॉलिसी शायद भी मतलब सरकार दे विच ज्यादा जाके काम हुंदे ने मेरी पॉलिसी उह पर उत्थे जाके देखा ते व्यापार कर रहे ने केजरीवाल साल तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई सी जिस तरह उन्हें व्यापार किया तो उसे तरह ही अकाली भाजपा कांग्रेस ने मतलब व्यापार किया वा केजरीवाल सही ने बिल्कुल सही ने मैं तो तुम कहूँ SYL मुद्दे उत्ते डबल राजनीति क्यों खेडते ने फिर मैं तुम्हें दसना चाहना जी मैं गल करनी चाहना एक ईमानदार प्रश्न है केजरीवाल और यह साबित हो चुके वर्ल्ड के अज तक मतलब 73-74 साल के कोई सरकार भारत के वो चीज़ नहीं कर सकी जो 5 साल के अच्छ दवाई फ्री करती पढ़ाई फ्री करती बिजली फ्री करती अज करप्शन खत्म करती वो सिर्फ तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी ਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਜੋਨ ਦਾ ਕਹਿਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੋਗਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ 300 ਜੋਨ ਦਾ ਵੀ 300 ਜੋਨ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਫਰੀ ਮਿਲੂਗੀ ਔਰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਲਰੇਡੀ
दिल्ली के किया हो इतने कहूँगा और अच्छ हर पंजाबी ये चाह रहा कि अज सारे देख लिया लोग मतलब के दुकाना के उत्ते सब्जियां दुकाना से गल्ला करते हैं भी सारे देख लिया तो इस बार झाड़ू फेर दौ तो दिल्ली वाले के खुशहाल बना तो आप खुशहाल बनाए हेलो भाई नारे लाओ पहला छोड़ो नारे लाओ।